महिलाओं की बराबरी। बराबरी शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, भाव वही है, भाव बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूं महिला पुरुषों की बराबरी नहीं, महिला पुरुषों की पूरकता। क्योंकि सृष्टि बननी और चलनी है तो इनके बिना चल नहीं सकती, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। और इसमें सृष्टि का क्रम देखते हैं तो उत्पत्ति और लय का काम तो पुरुष के पास हो सकता है, लेकिन पालन का जो काम है वो बिना महिला के नहीं हो सकता। तो सृष्टि अगर ठीक चलनी है तो महिलाओं के हाथ में कारोबार होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अपनी परंपरा कहती है। आप थोड़ा पुराना जमाना, यानी पुराना बहुत पुराना नहीं, 50 साल के पहले का, उस समय हमारे समाज में सब पुरुष कमाते थे, कमाई घरवाली के हाथ में रहती थी, तिजोरी की चाबी उसके पास रहती थी, उस कमाई का बजटिंग वो करती थी। घर में भोजन, किसी को भोजन पर बुलाना है तो वहां से सैंक्शन लेना पड़ता था, कौन आ रहे, कैसे आ रहे, कितने आ रहे, ये बताना पड़ता था। और उसमें कुछ उल्टा सीधा है तो मना भी होता था। अपने यहां पर पुराने जीवन की परंपरा ये रही है कि व्यवस्थापन, घर को देखने की सारी बातें महिला ही यही करे। और ये भी है कि जहां पुरुष की नहीं चलती, ऐसे सब कामों में महिलाओं की नहीं चलती, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो लड़ते लड़ते राजा दशरथ बेहोश हो गए, तो राजा दशरथ तो बेहोश हो गए, लेकिन कई बेहोश नहीं हुई, उसने अपना हाथ लगा दिया उस रथ में और युद्ध चला। ये प्रतीकात्मक कहानियां हैं, लेकिन ऐसा ही है। जो जो काम पुरुष कर सकते हैं वो सब काम महिलाएं कर सकती है, और जो सारे काम महिलाएं कर सकती है वो सारे काम पुरुष नहीं कर सकते।